गाजियाबाद के यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में संगठन मंत्री बने अमित वाल्मीकि के स्वागत में खड़े बीजेपी कार्यकर्ता और किसानों के बीच जमकर झड़प हुई, जहां एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि किसानों ने बड़ी संख्या में मौजूद गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और कार्यकर्ताओं पर तलवार भाले लाठी डंडों से किसानों ने हमला किया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में तमाम कार्यकर्ता घायल हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ किसान नेता इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। बहरहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वहां से बीजेपी का काफिले को रवाना किया। बीजेपी की महानगर महिला उपाध्यक्ष रनीता सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री अमित वाल्मीकि बुधवार सुबह गाजियाबाद पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए कोविड-19 से बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे, उनमें महिला कार्यकर्ता भी शामिल थी। अचानक ही धरने पर बैठे किसानों ने जमकर हंगामा किया और मौजूद कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडों और तलवार भाले आदि से हमला कर दिया। पहली बार इतना बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने आज आगे किया एक युवा को, जो हमारे साथ 60-70 गाड़ी हमारी थी, वो सारी गाड़ी तोड़ दिया है। क्योंकि हमारे देश का किसान ऐसा नहीं है, हमारा हितैषी है, दलितों का हितैषी हमारे देश का किसान। ये टिकैत के गुंडे थे, टिकैत के गुंडों के हाथ में हथियार थे। किसानों ने अचानक हमला कर दिया हमारे ऊपर, बड़े मुस्लिम लोग जान बचा के भाग गए हैं वहाँ से। अमित जी का स्वागत करने गए थे। अच्छा, तलवार बजी है, ये किसान नहीं हो सकते, बदमाश। और हम लोग बहुत शालीनता से खड़े हुए थे, इतने में वहाँ राकेश टीका जी के जो गुंडे हैं वो सभी आए, तलवार भाला और जितने भी उस तरह का सामान हो सकता है जिससे वो आक्रमण कर सकते हैं। हमारी कितनी बहनें चोटिल हो गई, जो अभी हमने फोन किया वो आने की कंडीशन में नहीं है। बहनों की गाड़ियों को तोड़ दिया गया, सब हमारे अध्यक्ष जी जो अमित वाल्मीकि जी आए थे प्रदेश मंत्री, उनकी पूरी गाड़ी तोड़ के तहस नहस कर दी गई। वो बिल्कुल किसान है नहीं, क्योंकि किसान कभी भी अपनी उपज छोड़ के कभी सड़कों पे नहीं बैठा करता है। वो राकेश जी कह रहे हैं।